अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मिस रमशा खान फ्रॉम द स्मार्ट स्कूल सर सैद अहमद खान गुलिस्तान जौहर कैंपसेस। टुडे माय वीडियो इज़ रिलेटेड टू क्लास सिक्स एंड द सब्जेक्ट इज़ मैथमेटिक्स। एंड द टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो इज़ योर चैप्टर फाइव इंटीगर्स। इंटीजर्स उसमें जो आपकी न्यू काउंट डाउन बुक जो है सेकेंड एडिशन की जो मैथ्स की बुक है उसमें से हम पेज नंबर 61 से लेके 64 को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, जो टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे वो होगा सेट्स ऑफ द सेट्स ऑफ इंटीजर्स जेड, इंटीजर्स और अ नंबर लाइन। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो हम इंट्रोडक्शन देंगे कि बेसिकली होता क्या है। चैप्टर थ्री में आपने क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन पढ़ा था, नेचुरल और होल नंबर्स के एक्सप्लेन कर। क्लोजर प्रॉपर्टी डज नॉट अप्लाई टू सब्ट्रैक्शन पे, अप्लाई नहीं होती। व्हेन अ होल नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अनदर होल नंबर व्हिच इज स्मॉलर देन द फॉर्मर द रिजल्ट नो लॉन्गर रिमेन्स अ होल नंबर। फॉर एग्जाम्पल 4 - 6, 7 - 15, 11 - 23। इंटीजर्स आपकी बेसिकली क्या होता है, जो आपके जो आपका चैप्टर का नाम है इंटीजर्स, बेसिकली आर फाइनाइट सीरीज ऑफ नंबर। एक इनफाइनाइट सीरीज ऑफ नंबर्स होते हैं जो अनगिनत होते हैं। ठीक है, ये पॉजिटिव भी होते हैं और ये नेगेटिव भी होते हैं। ठीक है, इंटीजर्स इंक्लूड पॉजिटिव नंबर सच एज +1, +2, and +3 एज वेल एज नेगेटिव नंबर सच एज 1, -1, -2, -3, and -0। सब इंटीजर्स में आते हैं। इंटीजर द सेट्स ऑफ इंटीजर इज डोनेटेड बाई द कैपिटल जेड। जेड से हम डोनेट करते हैं, इसका सेट जो होता है वो उसमें माइनस की वैल्यू और प्लस की वैल्यू सबकी वैल्यूज होती हैं। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर कैन बी सेपरेट इन सेट्स। सेट्स में हम देखें यहाँ पे इस पॉजिटिव यहाँ पे चेंज किया है, यहाँ पे नेगेटिव सेट्स को किया है। देयर इज नो स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नंबर इन द सेट्स ऑफ इंटीजर्स। में कोई स्मॉलर या इनफाइनाइट नंबर, सारे इनफाइनाइट, ये एक इनफाइनाइट सेट होता है। ठीक है, इंटीजर्स इंक्लूड द नंबर 1, 2, 3, देयरफॉर दे इंक्लूड ऑल द नेचुरल नंबर। ये सारे नेचुरल नंबर्स को इंक्लूड करते हैं। इंटीजर्स ऑल्सो इंक्लूड 0, तो ये बेसिकली होल नंबर्स को भी इंक्लूड करते हैं। 0 इज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, सो ये बेसिक सिंपली इंटीजर होगा और द लास्ट मेंबर ऑफ द सिस्टम ऑफ होल नंबर। ठीक है, अब हम देखेंगे तो ये है, ये नेचुरल नंबर और होल नंबर सबसेट्स हैं इंटीजर्स के। ठीक है, ये देखें लिखा हुआ है नेचुरल नंबर्स और होल नंबर सब इंटीजर्स के सबसेट हैं। अब जो सेकंड टॉपिक है, जो फर्स्ट टॉपिक है इस वीडियो का, वो है इंटीजर्स और नंबर लाइन। अब नंबर लाइन पे कैसे हम इंटीजर्स को फॉलो करें, वो ड्रॉ करेंगे। सिंस इंटीजर्स इंक्लूड बोथ नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर होते हैं और उसके अंदर जीरो भी होता है, तो ये दे कैन नॉट बी प्लेस्ड ऑन अ नंबर रे। ये एक नंबर रे पे नहीं करेंगे, इसके लिए हमें एक नंबर लाइन बनानी पड़ेगी। ठीक है, जिसमें जीरो की वह, देखें आप देख सकते हैं कि ये नंबर लाइन है ज़ीरो। ये देखिए यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यूज़ है, लेकिन +1, +2, +3, +4, and so on to +8 तक है। और उस तरफ आपके लेफ्ट हैंड साइड पे है आपके -1, -2, -3, -4, -5, से फिर -8 तक। ठीक है, तो उधर आपके पॉजिटिव इंटीजर्स हैं राइट हैंड साइड पे, और इस पे आपके नेगेटिव इंटीजर्स हैं लेफ्ट हैंड साइड पे। वहाँ पे आपकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है, यहाँ पे आपकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है। द नंबर लाइन इंक्लूड जीरो पॉजिटिव नंबर्स आर प्लेस, यही जो मैंने आपको बताई। नेगेटिव साइन डोनेट्स मूवमेंट टू द लेफ्ट अलॉन्ग द नंबर लाइन, द वैल्यू डिक्रीजेज एज वी मूव लेफ्ट। जिस तरह से हम जीरो से जीरो के नीचे जा रहे हैं, जैसे जीरो के बाद -1 आ रहा है, -2 हो रहा है, तो इस तरीके से इसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है, तो ये डिक्रीजिंग की लाइन है। वहाँ पे आपकी वैल्यू जीरो से बढ़ रही है +1, +2, तो ये ऐड हो रही है, मतलब ये इंक्रीज हो रही है। तो उस तरफ जा रहे हैं तो हमारी वैल्यू कम हो रही है, यहाँ पे जा रहे हैं तो ज़्यादा हो रही है। द वैल्यू डिक्रीज एज वी मूव, सो द रीज़न इंटीजर ऑल्सो कॉल्ड डायरेक्टेड नंबर। इसी वजह से आपके जो इंटीजर होते हैं ये डायरेक्टेड नंबर भी कहलाते हैं। ठीक है, अच्छा, द साइन इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑन द नंबर लाइन। ये जो साइन है ये आपका डायरेक्शन बताते हैं कि ये बड़ा है ये छोटा है। ये लेस देन और इक्वल टू के साइन से हम डोनेट करते हैं। ठीक है, जैसे कि देखिए +2, +5 जो है दैट इज़ ग्रेटर, दैट इज़ लेस देन +7। -15 आपका +2 से छोटा होता है। -6 आपका ग्रेटर देन -4 से छोटा होता है, क्योंकि जैसे जैसे आपकी वैल्यू माइनस में जाती है उसकी वैल्यू कम हो जाती है। फॉर एग्जांपल कि जैसे आपकी -1 के बाद -2 आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे बढ़ नहीं रही है, -1 जो होगा वो -2 से बड़ा होगा, क्योंकि जैसे ज़ीरो से नीचे हम मज़ीद जाते जाते हैं उनकी वैल्यू मज़ीद डिक्रीज होती जाती है। ठीक है, तो ये इस तरीके की ये इसकी एग्जांपल है। +8 इज ग्रेटर देन -8, -19, -10 इज ग्रेटर देन -13,
और प्लस वन इज ग्रेटर देन -10, तो इस तरीके की एक सी एग्जाम्पल में द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स इज द सेम एज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड देयरफॉर एन इज इक्वल्स टू जेड, हमने अभी बात पढ़ी थी। अच्छा, अब ये इंटीजर्स ऑन अ नंबर लाइन की वही हम चीज़ दोबारा डिस्कस करेंगे कि क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। द इंटीजर प्लस 3 इंडिकेट 3 मूविंग स्टेप्स टू द राइट 0, द इंटीजर -5 इंडिकेट 5 मूविंग स्टेप्स टू द लेफ्ट। द इंस्ट्रक्शंस प्लस 3 -5 आर फॉलोड, वी लैंड अप टू -2 ऑन द नंबर लाइन, दस द आंसर फॉर प्लस 3 -5 आपका -2 होगा। इस तरह से आप नंबर लाइन पे ये पार्ट शो करेंगे कि जैसे कि फॉर एग्जांपल इफ फ्लोर अबव द ग्राउंड फ्लोर आर शो इन अ लिफ्ट प्लस एज 1, 2 और 3 सो ऑन, देन फ्लोर बिलो द ग्राउंड फ्लोर आर शोन एज -1 -2 एंड -3। ये कह रहे हैं कि जैसे कि जैसे जैसे इंटीजर जो आपके होते हैं प्लस 3 अगर इंडिकेट कर रहा है, इसका मतलब है कि आपके प्लस 3 आपका मूव राइट फ्रॉम द जीरो, जीरो से राइट की तरफ जा रहा है प्लस 3, और इंटीजर जो है वो -5 इंडिकेट्स मूविंग 5 स्टेप्स टू द लेफ्ट। इफ द इंस्ट्रक्शन प्लस 3 -5 आर फॉलोड, वी लैंड अप टू -2 ऑन द नंबर लाइन, थस द आंसर जो आपका होगा प्लस 3 -5 इसका जो आंसर होगा माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ओवरऑल फंक्शन भी माइनस का होगा और आपके पास वैल्यू ग्रेटर नंबर की लगती है तो आपके पास यहाँ पे -2 इसका आंसर आ जाएगा। देखें हम यहाँ पे देखते हैं कि नंबर लाइन पे अब हम इसे पुट कैसे करेंगे। सो अब आपको देख रहे हैं एक समीरा है, इसके पास ₹2 है अपने पॉकेट में, शी इज़ एट प्लस टू। अगर अब उसने शी हैज़ ₹1 इन हर पॉकेट, शी हैज़ एट प्लस 1, अगर उसके पास कोई मनी नहीं होगी तो वे शी वो उसके पास 0 होगा। अगर उसने एक किसी से बोरो किया तो वो -1 हो जाएगी उसकी वैल्यू, अगर उसने ₹2 बोरो किसी से किए तो उसकी वैल्यू उसके पास -2 हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये शो कर रहे हैं कि प्लस 2 जो होगा वो ग्रेटर देन -1 होगा, प्लस 1 जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा, 0 इज़ ग्रेटर देन -1, -1 इज़ ग्रेटर देन -2 एंड -2 इज़ ग्रेटर देन -3 एंड सो ऑन। आज आपकी फर्स्ट एग्जांपल ये है कि विच नंबर विल बी स्मॉलर, -4 और -5। माइनस अब हम नंबर लाइन में देखेंगे, नंबर लाइन हमने पुट कर दी -4 और -5 की इस तरफ, जितने जितने हम यहाँ पे पॉजिटिव नंबर रखेंगे उतने ही हम नेगेटिव नंबर वहाँ पे रखेंगे, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे 0 से 1 -1 -2 -3 और -4, ठीक है। तो इस तरीके से हम कैसे पढ़ेंगे, तो जैसे -5 सबसे आखिर में है टू द लेफ्ट, तो -5 जो होगा वो आपका -4 से स्मॉलर हो जाएगा। ये मैंने आपको अभी बात बताई थी कि जैसे जैसे आपकी वैल्यू माइनस में जाती है तो इसकी वैल्यू जो है नंबर की डिक्रीज होना शुरू हो जाती है, तो -4 जो होगा वो -5 से बड़ा होगा, पर इन पॉजिटिव साइंस आपका 5 4 से बड़ा होता है, ठीक है। अब ये बोल रहा है फिल इन द बॉक्स विद अ सिंबल लेस देन और इक्वल्स टू, ये बहुत आसान सी चीज़ है, इसमें आपको -5 इज लेस देन -5, -3 इज ग्रेटर देन -14, 0 इज ग्रेटर देन 0 इज ग्रेटर देन -5 एंड -5 इज ग्रेटर देन -10। तो ये आप चीज़ याद रखें कि मतलब ये सबसे आसान और सबसे आसान चीज़ यही होगी, सबसे आसान चीज़ यही होगी कि हम लोग इस चीज़ को डिस्कस कर लें कि आपकी जैसे जैसे वैल्यू डिक्रीज होती जाती है इसकी वैल्यू, जैसे जैसे आपकी जीरो से माइनस में वैल्यू चली जाती है इसकी वैल्यू, इस नंबर की वैल्यू डिक्रीज होने लगती है। तो ये हम देख लेते हैं कौन सा नंबर स्मॉलर है, -9 और 9, तो आपका इसका आंसर होगा 99 इज लेस देन 9, क्योंकि -99 बहुत छोटी वैल्यू होती है। अरेंज द फॉलोइंग इंटीजर इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर आपका क्या होता है, यानी कि बड़े जैसे छोटे से बड़े से रखना है आपको, -3 -1 सबसे छोटे से बड़ा, इंक्रीजिंग ऑर्डर के मतलब माइनस ही दिया है, 4 दिया है, -2 और 0 +2। इसको हमने क्या पोजीशन है, तो नंबर लाइन एज द करेक्ट ऑर्डर क्या होगा, सबसे पहले आपका -3 आएगा, फिर आपका -1 आएगा, फिर आपका 0 आएगा, फिर आपका +2 आएगा एंड देन आपका 4 आएगा। तो ये इसका बेसिकली वो नंबर है। अब इसकी नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, फाइंड द टू इंटीजर इन ऑफ द फॉलोइंग, अब आपका -12 -8 और -4 है, ये 4 का टेबल है, इसके बाद क्या आएगा, 0 आएगा और ये +4 आएगा, ठीक है, यही है इसका आंसर। और ये है ये इनको सीक्वेंस में रखना है कि 7 5 3, अब देखें इन दोनों के बीच में 5 और 7 के बीच में दो दो का डिफरेंस होता है
और 5 और 3 के 5 माइनस 3 आपके पास 2 होता है, ठीक है। तो 3 में से आप 2 माइनस कर देंगे 1 आ जाएगा, 1 में से 0, 1 में से 2 माइनस करेंगे आप तो -1 आ जाएगा। और फिर आपका -1 -1 आपका -3 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये उसी तरीके से वैल्यू आपकी बढ़ेगी, बट फिर ये माइनस में वैल्यू चली जाएगी। नंबर लाइन ऑफन यूज टू रिप्रेजेंट कैलेंडर्स इन केसेस दे आर कॉल्ड, ये टाइम लाइन भी और डेट लाइन भी कहलाते हैं। दे आर डिफरेंट काइंड ऑफ कैलेंडर सच एज जॉर्जियन, चाइनीज और इस्लामिक वंस। हाउएवर फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी पीपल अराउंड द वर्ल्ड रिकोगनाइज द जॉर्जियन जॉर्जियन कैलेंडर को देखते हैं वो लोग। जॉर्जियन इट इज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई टाइम लाइन विच ऑफ द एयर टू बी राइट एट 0 इंडिकेट्स द कॉमन एरा, कोई कॉमन एरा देखते हैं। एंड देयर दोज टू द लेफ्ट बाय और बिफोर दोज टू द लेफ्ट बाय बाय बी सी और बिफोर कॉमन एरा, ठीक है। तो क्लास क्लास 6 आप लोगों का ये टॉपिक वीडियो ये एक्चुअली ख़त्म हो गई है। आई होप ये टॉपिक के जो जो टॉपिक्स थे इसके आपको समझ में आए हों। अगर आपको कोई भी मसला हो, कुछ भी समझ में ना आया, तो आप लोग मुझसे लाइव सेशन में पूछ सकते हैं, गूगल क्लासरूम पे पूछ सकते हैं, या तो फिर इंशाल्लाह आपकी रेगुलर क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे तो आप उस पर ही पूछ सकते हैं, ठीक है। आई होप ये आपके लिए वीडियो बेनिफिशियल रही हो। ओके, स्टे सेफ एट योर होम, अल्लाह हाफिज़।